एपिसोड के स्टार्ट में रीका भाग रही होती है और इसके पीछे एक लड़की आ रही होती है। रीका जाके छुप जाती है और सामने एक कैट को देखती है। तभी पीछे वाली लड़की इसे बर्तन फेंक के मारती है और इसकी तरफ आने लगती है। नेक्स्ट सीन में यूटा शिंका के साथ स्विमिंग पूल में होता है और यहाँ पे ये इस पर पानी फेंकने लगती है, फिर और ज़्यादा पानी फेंकने लगती है और अब कुछ ज़्यादा ही, और यूटा इसे रुकने को कहता है। तभी इसकी आँख खुलती है और इसके सामने रीका होती है जो इस पर पानी डाल रही होती है और ये सपना देख रहा होता है। ये सब करने के लिए यूटा इसे फिर मारता है और फिर कहता है, तुम्हारे फोरहेड को क्या हुआ? रीका कहती है, कल रात में एक बहुत खतरनाक फाइट की मैंने। तभी एक कैट आके यूटा के ऊपर चढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में यूटा कहता है, काइमेरा, तुम्हारा मतलब वो मॉन्स्टर ग्रीक माइथोलॉजी और वीडियो गेम्स का? रीका कहती है, हाँ, कल रात मैं इनविजिबल बाउंड्री लाइन इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि तभी एक खतरनाक बीस्ट मेरे सामने आ गया, तो मैंने उसे पकड़ लिया। यूटा पूछता है, क्या तुम सच में इसे रखने का सोच रही हो? रीका कहती है, हाँ, काइमेरा के पास पावर होती है इनविजिबल बाउंड्री लाइन ढूंढने की, लेकिन एक सीरियस प्रॉब्लम है। इथर्नल होराइजन की प्रीस्टेस डिस्प्ले करती है इम्यून हाइपर रिएक्शन काइमेरा से। यूटा कहता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी बड़ी बहन को कैट से एलर्जी है? रीका कहती है, तो मुझे डार्क फ्लेम मास्टर की हेल्प चाहिए। यूटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अब यूटा को हाई स्कूल ज्वाइन करे एक हफ्ता हो चुका है और अब यह रीका के साथ स्कूल जा रहा होता है और रीका इससे हेल्प मांग रही होती है। यूटा कहता है, कुजुआ और यूमेहा को एनिमल्स पसंद है और मुझे पता है कि मेरी माम को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं ये नहीं होने दे सकता। ये सुनकर रीका सैड हो जाती है और फिर पूछती है, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? यूटा बताते हैं कि वो जकार्ता में काम करते हैं। रीका कहती है, ये तो बहुत दूर है। अब यूटा बोल रहा होता है, मुझे केयरफुल रहना होगा कि किसी को मेरे पास्ट के बारे में ना पता चले। फिलहाल के लिए तो मैं क्लास के साथ घुल मिल गया हूँ अच्छे से। किसी तरीके से मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव में से एक बन गया इसी के मुझे नॉमिनेट करने के बाद, लेकिन शायद ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अब शिंका अपनी स्पीच ख़त्म करती है और यूटा आके अपनी सीट पर बैठता है। मकोटो कहता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होना काफ़ी मुश्किल काम है ना? यूटा कहता है, हाँ, इसका थैंक्स तुम्हें जाता है। मकोटो कहता है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किसे वोट करोगे? यूटा कहता है, किसके लिए? मकोटो कहता है, क्लास की सबसे क्यूट लड़की डिसाइड करने के लिए। यूटा कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि अच्छा आइडिया ही है? अगर लड़कियों को पता चला इसके बारे में तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाएंगी। मकोटो कहता है, टेंशन मत लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तभी शिंका आके यूटा को साइंस लैब में आने को कहती है लंच ब्रेक में, क्योंकि साइंस टीचर ने हेल्प मांगी थी इक्विपमेंट्स चेक करने में। नेक्स्ट सीन में यूटा होता है साइंस लैब में और सामान रख रहा होता है चेक करके, और जाते जाते शिंका का परफ्यूम सूंघने लगता है। शिंका उससे पूछती है कि स्टूडेंट काउंसिल में सब कैसा चल रहा है? यूटा कहता है, मैंने बस स्टार्ट किया है तो कुछ कह नहीं सकता। शिंका बोलती है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं शायद तुम्हें कुछ बताना भूल गई, मैं काफ़ी भुलक्कड़ हूँ। यूटा कहता है, सच में? लेकिन तुम ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। अब ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड बात करने लगते हैं और शिंका कहती है, तुम्हें रिकमेंडेशन मिली तो तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा। यूटा कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक बार एलिमेंट्री स्कूल में करा था मैंने, बट मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ। शिंका बोलती है, मुझे नहीं लगता कि तुम ऑर्डिनरी हो, एटलीस्ट ऐसा मैंने सोचा था जब हम पहली बार मिले थे। क्या तुम्हें याद है हम कैसे एक दूसरे से टकराए थे ट्रेन स्टेशन में? यूटा कहता है, तुम्हें वो याद है? शिंका बोलती है, ऑफ कोर्स सिली। यूटा कहता है, ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ये सब याद होगा। शिंका कहती है, हाँ, और जब मैंने तुम्हें सेम क्लास में देखा तो मैंने कहा, अरे ये तो वही है, और मैं खुश हो गई थी। ये सब सुन के यूटा कांपने लगता है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और सोच रहा होता है मन में, कहीं ये हाई स्कूल रोमांस की शुरुआत तो नहीं? क्या मुझे उससे एक साथ घर चलने को पूछना चाहिए? नहीं, पहले मुझे उसका रिएक्शन प्रेडिक्ट करना चाहिए। और फिर मन में इमेजिन करने लगता है, जिसमें शिंका से पूछता है घर चलने को, और शिंका कहती है, बिल्कुल भी नहीं। और ये नीचे गिर जाता है अब और कहता है, मेरा हार्ट ये सब नहीं झेल सकता। शिंका बोलती, टोगाशी, क्या तुम ठीक हो? ये कहता है, हाँ। और तभी सामने ह्यूमन एनाटॉमी मॉडल देख के डर जाता है और नीचे गिर जाता है, और इसके पीछे रीका होती है जो कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और यूटा इसे पकड़ के फिर बोलने लगता है, तुम ही की होती हो हमेशा। और शिंका से कहता है, तुम इसे इग्नोर करो।
और रीका लैब कोट पहन के फिर अपनी अजीब बातें स्टार्ट कर देती है। योटा कहता है, ये लैब कोट निकालो जल्दी। रीका बोलती है, क्या तुम चाहते हो मैं इसे धीरे धीरे उतारूं? और योटा इस पर चिल्लाने लगता है फिर और कहता है, मेडिसिन को ऐसे टच मत करो। रीका कहती है, कैमेरा के पास माना की कमी है मैनिफेस्ट होने के लिए रियल वर्ल्ड में। सिर्फ आर्टिफिशियल सब्सटेंस ही उसकी फुल पावर रिस्टोर कर सकते हैं। शिंका कहती है, कैमेरा? यूटा फिर इसे समझाता है कि ये ग्रे कैट है जिसके फोरहेड पे एक मार्क है। टाकानाशी उसे कल लेकर आई। रीका बोलती है, टाकानाशी नहीं, रीका। इस कैट के बारे में सुन के जो शिंका है उसे कुछ याद आता है। नेक्स्ट सीन में यूटा और रीका एक लड़की से मिलते हैं जिसकी कैट डोडोमैन खो गई थी, जो उसी कैट की तरह दिखती है जो रीका को मिली। ये बताती है कि इसकी कैट एक हफ्ते पहले खोई थी। यूटा इसे रीका की कैट आके देखने को कहता है और इससे इसका नाम पूछता है। ये कहती है, मैं हूँ कोमिन सुयूरी। नेक्स्ट दिन मैं पहुँचता रीका के घर, जहाँ पे फिर ड्रामा करने लगती है और गेट खोल के कहती है, बैरियर हट चुका है, जल्दी चलो अंदर। ये अंदर जाते हैं और रीका बैठी हुई होती है सामने और कहती है, वेलकम टू डार्क साइड। यहाँ एक स्टफ टॉय देख के कोमिन कहती है, कितना क्यूट है टर्टल ये, इसका नाम क्या है? रीका कहती है, ये ब्लैक टर्टल है नॉर्थ का। और यूटा सामने एक गन देखता है और कहता है, क्या ये मिलिट्री माउजर है? रीका कहती है, ये एक सीक्रेट पिस्टल है जो कि बहुत पावरफुल है। यूटा बोलता है, ये काफ़ी अमेजिंग है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? रीका कहती है, ठीक है। और यूटा उसे निकाल के चलाने लगता है और एकदम से जो है कोमिन को देख के नर्वस हो जाता है और कहता है, इस गन का ओरिजिनल मॉडल 100 साल पहले बना था और ये काफ़ी औसम है। कोमिन कहती है, टोगाशी तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद है ना? अब रीका कहने लगती है, इस रूम में सभी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग रखी गई हैं, किसी भी चीज़ को मूव करना सख्त मना है। कोमिन कहती है, डोडोमैन कहाँ है? रीका बोलती है, मैंने इल्यूजन क्रिएट करा है जिससे ह्यूमंस उसे ना देख पाए। तभी पीछे से ये कैट आवाज़ निकालती है और कोमिन उसे देखती है। रीका कहती है, तुम इसे देख सकती हो? तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पे? अब कोमिन कहती है, ये मेरी कैट की तरह लगती है लेकिन ये वो नहीं है। तभी एक लड़की रूम में एंटर होती है और कहती है, ये कैट किसकी है? और रीका काफ़ी नर्वस हो जाती है और यहाँ से भागने लगती है। इसके पीछे ये लड़की भी जाती है और ये पहुँचते हैं अब सीधे यूटा के रूम में। रीका अपना अम्ब्रेला निकाल के इसके सामने ले आती है और यहाँ से भागने लगती है और ऊपर चढ़ के अटैक करने जा रही होती है, लेकिन ऊपर इसका सर लगता है और ये सीधे नीचे गिरती है। अब ये लड़की कहती है, मैं हूँ टोका टाकानाशी, इसकी बड़ी बहन। अब ये यूटा से बात कर रही होती है और बताती है कि रीका ये विकेडाई वाले ड्रामे एलिमेंट्री स्कूल से कर रही है और उसे पता है कि मुझे कैट से एलर्जी है, लेकिन फिर भी वो कैट लेके आई। और यूटा से कहती है कैट को संभालने के लिए, फिर चाहे वो इसे किसी को दे दे या बेच दे, बस उसे उस कैट को यहाँ से ले जाने को कहती है ये। यूटा कहता है, मैं कर सकता हूँ ये, लेकिन तभी टोका कहती है, अब जो तुम सुनने वाले हो वो एक पर्सन की रिकॉर्डिंग है 2 साल पहले की, शायद तुम इसे पहचान लो। और जैसे टोका इसे प्ले करती है, इसमें यूटा की आवाज़ होती है 2 साल पहले की, जब वो भी ये सब हरकतें करता था और डार्कनेस वगैरह जैसी चीज़ें बोला करता था। और इसमें वो बोल रहा होता है, मैं हूँ डार्क फ्लेम मास्टर, मेरे पास डार्कनेस की पावर है। ये सब सुनकर यूटा शॉक्ड हो जाता है और फिर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और कहता है, इसे बंद करो। लेकिन टोका इसकी वॉइस और बढ़ा देती है और यूटा और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। अब टोका कहती है, मुझे वेबसाइट्स पे वीडियो अपलोड करना पसंद है। और ये सब सुनने के बाद यूटा मान जाता है उस कैट को ले जाने के लिए। अब ये जाते हैं रीका के रूम में, लेकिन वो वहाँ से भाग चुकी होती है कैट को लेके, और यूटा टोका का यह रिकॉर्डर लेके भाग जाता है और कोमिन भी इसके पीछे पीछे भाग रही होती है। भागते भागते रीका बताती है कि टोका की पावर बहुत खतरनाक है और पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें यह टोका को बैट से बांध देती है, लेकिन टोका इसके पीछे खड़ी होती है। अब रीका कहती है, वो टेलीपोर्ट भी कर सकती है। अब टोका इनके पास आने लगती है। कोमिन कहती है, ये काफ़ी मज़ेदार है, एक हॉरर मूवी की तरह, और ऊपर से देखने लगती है। तभी इसके सर पे कुछ आके लगता है और ये सीधे नीचे गिरती है। अब रीका भागती है और यूटा भी कोमिन को अपनी पीठ पे ले गए। नेक्स्ट दिन में यूटा कहता है, हम हमेशा के लिए उससे भाग नहीं सकते। रीका कहती है, मेरा जो करंट लेवल है उसमें मैं प्रिस्टेस को नहीं हरा सकती,
लेकिन मुझे लड़ना ही होगा। इसे लो और यहाँ से भाग जाओ, मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूँगी। मुझे इनविजिबल बाउंड्री लाइन ढूंढनी ही होगी। और फिर कहती है, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तुम काइमेरा को लो और यहाँ से भाग जाओ। अब रीका अपनी आँख दिखाती है और फिर अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है और वेपन्स वगैरह आ जाती है इसके पास और ये टोका पे अटैक करने लगती है। लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ अम्ब्रेला से फाइट कर रही होती है और सामने टोका एक बर्तन से। अब इनकी बहुत ही खतरनाक फाइट चलती है इमेजिनेशन की, जो कि रीका सोच रही होती है। लेकिन फाइनली टोका इसके सर पे मार के ये फाइट एंड कर देती है। अब ये कहती है, दोबारा कैट को घर पे लाने की सोचना मत, और इन्हें बैंडेजेस देके यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में यूटा घर पे होता है और सर पे बैंडेज लगाता है अपने, और फिर याद कर रहा होता है रीका की फाइट और अपनी गन को देख के कहता है, मैं एटलीस्ट मॉडल गन तो रख ही सकता हूँ। और फिर रीका की कैट को बाहर से अंदर लाता है और कहता है, सॉरी बट ये हम दोनों के लिए सेफ रहेगा अगर तुम यहाँ पे रहो तो। मुझे नहीं पता कि मेरा फोरहेड कितना दर्द झेल सकता है। और फिर अपनी मॉम को आवाज़ मार के कहता है, मुझे कैट मिली है। और फिर ऊपर बालकनी में रीका खड़ी होती है और फिर यूटा कह रहा होता है, कुछ टाइम बाद ही कुमिन की कैट वापस आ गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।